बढ़ते आगे, अखिलेश यादव का ईसी पर गंभीर आरोप देखने को मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारों पर वोटर लिस्ट से एसपी मतदाताओं के नाम जो है वो हटाए गए। ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने ईसी पर लगाया है। समाजवादी पार्टी के अधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार जो बनी है जनता की बनाई हुई नहीं है, छीनी हुई है, जिसमें मशीनरी का सहयोग मिला है। सरकार जो बनी है यह सरकार जनता की बनाई हुई नहीं है, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली, क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने सब कुछ किया, जो जो कर सकते थे वो किया उन्होंने, और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन, उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों।